साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के जिस कमरे को गुरुवार को सीबीआई की मौजूदगी में खोला गया है, उस कमरे से भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी बरामद हुई है। सीबीआई की टीम दोपहर लगभग 2 बजे से बंद कमरे से मिले कैश, ज्वेलरी और अन्य सामानों की लिस्ट तैयार कर रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की मौत के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनकी मौत कैसे हुई थी, अभी तक इसकी असलियत सामने नहीं आई है। गुरुवार को सीबीआई की टीम श्रीमद बागरम्बरी गद्दी पहुंची और जिस कमरे में महंत की लाश मिली थी उस कमरे की जांच की। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी के बंद कमरे से मिले कैश और ज्वेलरी करोड़ों की बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी महंत बलवीर गिरी भी मौजूद हैं। सीबीआई बंद कमरे से मिले सामानों को उनके सुपुर्द कर सकती है। सीबीआई के जांच अधिकारी एडिशनल एसपी केएस नेगी और सीबीआई इंस्पेक्टर की मौजूदगी में कमरे को खोला गया है। गौरतलब है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी 20 सितंबर 2021 को मठ के गेस्ट हाउस में फंदे पर लटके पाए गए थे। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद प्रयागराज पुलिस ने मठ के 2 कमरों को सील किया था। एक वह कमरा जिसमें महंत नरेंद्र गिरी का शव संदिग्ध हालत में फंदे से लटकता हुआ पाया गया था और दूसरा वह कमरा जिसमें महंत नरेंद्र गिरी रहते थे। जिस कमरे में महंत नरेंद्र गिरी का शव फंदे से लटकता पाया गया था वह केस प्रॉपर्टी है। मुकदमे का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है, ऐसे में वो कमरा सिर्फ अदालत के आदेश से ही खोला जा सकता है, लेकिन पहली मंजिल के जिस कमरे में महंत नरेंद्र गिरी रहते थे उसे खोला गया है। बागरम्बरी मठ के मौजूदा महंत बलवीर गिरी ने कमरा खुलवाने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। उन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि मठ में पहली मंजिल के उस कमरे को खोलने की अनुमति दी जाए जिसमें महंत नरेंद्र गिरी रहते थे। इसके बाद सीबीआई बागरम्बरी मठ पहुंची। गुरुवार को सुबह 11:30 बजे से शाम तक सीबीआई एक एक बारीकियों को देख रही थी। प्रत्येक सामान जो भी कमरे में है सबकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। हालांकि इस संबंध में सीबीआई के अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत करने से मना कर दिया है। महंत नरेंद्र गिरी के लाश उनके कमरे में ही 1 साल पहले संदिग्ध अवस्था में मिली थी। थाई प्रोफाइल नाम होने के नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम लगाई थी। महंत के शिष्य रहे आनंद गिरी 1 साल से जेल में ही है। वो कई बार कोर्ट में जमानत के लिए याचिका भी दाखिल कर चुके हैं लेकिन कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिली। वीडियो बना है।